कहानी बयां करते हुए सही मायनों में नेक चंद जी की कल्पनाओं को चित्रांकित कर रही है। किसी भी पूज्य स्थल की तरह आपको देवी देवताओं की इस नगरी के हर प्रवेश द्वार से झुक कर ही जाना होगा। आगे दोनों तरफ इस नगरी के निवासी आपका स्वागत करते नजर आएंगे। इन्हें किसी ने तराशा नहीं है, ये वही पत्थर हैं जिन्हें नदियों और जंगलों से उठाकर लाया गया है और इन्हें के मूल स्वरूप में ही सुशोभित किया गया है। अभिप्राय पूर्वक देखने से हर पत्थर में कल्पनाओं की कोई न कोई मूर्ति नजर आ ही जाएगी। इस नगरी का हर हिस्सा अपने आप में एक अलग कहानी संजोए हुए है और उस हिस्से का हर बाशिंदा हर किरदार एक अलग पहचान रखता है। नगरी का अगला पड़ाव संगीत दरबार है, जहां आने वाले सभी मेहमानों का स्वागत संगीत से होता है। दोनों ओर पत्थरों रूपी अलग अलग संगीत वाद्य यंत्रों से सुसज्जित दिखाई देने वाली मूर्तियां सर्जक की कल्पना में संगीतकार और पहरेदार हैं। जब शाम को नगरी का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाता था, तब ये संगीतकार अपने अपने वाद्य यंत्रों को पास ही में बने कक्ष में रख दिया करते थे। इसी कक्ष में कभी कभी नेक चंद जी अकेले बैठकर प्रकृति का और अपनी कल्पनाओं का आनंद लिया करते थे। कल्पित भावनाओं में घरों की ये दीवार संगीत वाद्य यंत्रों का ही हिस्सा है। कुछ घड़े बड़े हैं और कुछ छोटे, जिन्हें बजाने से बड़ों में से अलग और छोटों में से अलग बड़ी रूपांतरित होती है। बयां करते हुए सही मायनों में नेक चंद जी की कल्पनाओं को चित्रांकित कर रही है। किसी भी पूज्य स्थल की तरह आपको देवी देवताओं की इस नगरी के हर प्रवेश द्वार से झुक कर ही जाना होगा। आगे दोनों तरफ इस नगरी के निवासी आपका स्वागत करते नजर आएंगे। इन्हें किसी ने तराशा नहीं है, ये वही पत्थर हैं जिन्हें नदियों और जंगलों से उठाकर लाया गया है और इन्हें इनके मूल स्वरूप में ही सुशोभित किया गया है। अभिप्राय पूर्वक देखने से हर पत्थर में कल्पनाओं की कोई न कोई मूर्ति नजर आ ही जाएगी। इस नगरी का हर हिस्सा अपने आप में एक अलग कहानी संजोए हुए है और उस हिस्से का हर बाशिंदा हर किरदार एक अलग पहचान रखता है। नगरी का अगला पड़ाव संगीत दरबार है, जहां आने वाले सभी मेहमानों का स्वागत संगीत से होता है। दोनों ओर पत्थरों रूपी अलग अलग संगीत वाद्य यंत्रों से सुसज्जित दिखाई देने वाली मूर्तियां सर्जक की कल्पना में संगीतकार और पहरेदार हैं। जब शाम को नगरी का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाता था, तब ये संगीतकार अपने अपने वाद्य यंत्रों को पास ही में बने कक्ष में रख दिया करते थे। इसी कक्ष में कभी कभी नेक चंद जी अकेले बैठकर प्रकृति का और अपनी कल्पनाओं का आनंद लिया करते थे। कल्पित भावनाओं में घरों की ये दीवार संगीत वाद्य यंत्रों का ही हिस्सा है। कुछ घड़े बड़े हैं और कुछ छोटे, जिन्हें बजाने से बड़ों में से अलग और छोटों में से अलग बड़ी रूपांतरित होती है।